छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा, साथ ही राज्य सरकार अस्थिर होने की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सबको ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पक्ष के 70 विधायक हाईकमान की बात के आधा इंच इधर उधर नहीं जाएंगे। इसके अलावा टीएस सिंहदेव ने डेंगू समेत अन्य मसलों पर भी प्रतिक्रिया दी। कि लेटेस्ट रिपोर्ट मैंने नहीं ली है और विभाग काम करता है तो कोई एक विभाग काम नहीं करता है, सरकार काम करती है। ये डॉक्टर रमन सिंह ये बयान दे रहे हैं कि कुर्सी दौड़ हो रही है छत्तीसगढ़ में, विधायक बार बार जा रहे हैं, पर्यटन के नाम पे कुर्सी दौड़ है, ये ऐसा कह रहे हैं और दबाव की राजनीति भी कह रहे हैं। लगता है उनको शामिल होने का मन कर रहा है, दबाव की नहीं, लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं और प्रजातंत्र में उसकी छूट होनी चाहिए। तो बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे देखते हैं प्रदेश में नेतृत्व को एक जिम्मेदारी दी गई? पिछले चुनावों में ये देखने में मिला है कि मुख्यमंत्री जी को अलग अलग राज्यों में जवाबदारी दी गई है, असम के बाद उत्तर प्रदेश में भी, तो यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें मुख्य ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो ये प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है।